हे गाइस, दिस इज आशीष और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल एड्रेनो टेक्निको। दोस्तों, Redmi Note 7 Pro और Realme 5 Pro को लॉन्च हुए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है और आज भी इन फ़ोन की डिमांड है वो Flipkart पे बढ़ते ही जा रही है। आज भी कई सारे यूज़र्स Realme 5 Pro और Redmi Note 7 Pro को बाय करना चाहते हैं क्योंकि उनकी जो प्राइसिंग में जो ड्रॉप है वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रही है। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ Realme 5 Pro और Redmi Note 7 Pro के कैमरा कंपैरिजन के बारे में और क्या ये फ़ोन आपको 12,000 रुपीज़ के रेंज में परचेस करने चाहिए या नहीं, ये आपको मैं बताऊँगा इस वीडियो के एंड पे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं। मैं हूँ आशीष और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एड्रेनो टेक्निको। गाइस, यहाँ पे Redmi Note 7 Pro और Realme 5 Pro दोनों ही अंदर आपको कैमरा का सेम सेंसर देखने को मिलता है, यानी कि Sony IMX586। यहाँ पे आपको दोनों ही फ़ोन के अंदर जो मेगापिक्सल काउंट मिलता है वो है 48 मेगापिक्सल। इसके अलावा यहाँ पे जो एपर्चर आपको मिलता है वो है f/1.79। ज़्यादा कैमरा की डिटेल्स मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। यहाँ पे अगर बात करें हार्डवेयर की तो दोनों ही फ़ोन का हार्डवेयर यहाँ पे एक्जैक्टली सेम है, हालांकि यहाँ पे आपको एक वाइड एंगल शॉट देखने को मिलता है Realme 5 Pro के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो राइट साइड पे इमेज है वो है Redmi Note Sun Pro की और जो लेफ्ट पे है वो है Realme 5 Pro की। यहाँ पे आपको जो हाइलाइट्स देखने को मिलते हैं वो Realme 5 Pro के अंदर बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, लेकिन जो डिटेल है और जो शार्पनेस है इमेज की वो यहाँ पे मुझे Redmi Note 7 Pro की ज़्यादा बेहतर लगी। यहाँ पे जूम करने पे आपको देखने को मिलता है कि जो लिली फ्लावर है उसकी जो डिटेल्स है वो Redmi Note 7 Pro के अंदर काफ़ी ज़्यादा बेहतर आई है, लेकिन Realme 5 Pro के अंदर जो कलर्स कंटेन हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि Realme 5 Pro की लेफ्ट वाली इमेज थोड़ी सी फेड हो चुकी है, लेकिन जो राइट वाली इमेज आपको देखने को मिल रही है वो ज़्यादा शार्प है। इस प्लांट पे आप देख सकते हैं कि जो शेडोज कंटेंट हुई है वो Realme 5 Pro के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन यहाँ पे आपको जो HDR की जो क्वालिटी मिलती है वो Redmi Note 7 Pro के अंदर ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों ही फ़ोन के साथ मैंने यहाँ पे 48 मेगापिक्सल से स्लो मोशन शॉट खींचा है जो कि है 120 FPS के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों ही फ़ोन की जो क्वालिटी है वो एक्जैक्टली सिमिलर आई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पोर्ट्रेट बोके शॉट जो कि ह्यूमन सब्जेक्ट के ऊपर खींचा गया है। यहाँ पे जो कलर है वो Redmi Note 7 Pro के ऊपर ज़्यादा बेहतर आया है। गैस, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं सेल्फी कैमरा की तो यहाँ पे आपको कलर डिफरेंस थोड़ा सा देखने को मिलता है। यहाँ पे एक्चुअली में मेरी जो शर्ट का कलर है वो थोड़ा सा ब्लूइश है जो कि Redmi Note 7 Pro पे थोड़ा सा बेहतर देखने को मिला है, लेकिन यहाँ पे अगर हाइलाइट्स और शेडोज की बात करें तो वहाँ पे Realme 5 Pro ने बहुत ही अच्छी इमेज क्वालिटी प्रोड्यूस की है और जो हेयर का कलर है वो भी Realme 5 Pro पे ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे अगर डे लाइट शॉट की बात करें तो यहाँ पे जो स्काई का कलर है वो Realme 5 Pro पे बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर डिटेल की बात करें, अगर ग्रास के कलर की बात करें तो वो Redmi Note 7 Pro के ऊपर ज़्यादा अच्छा आया है। Hey guys, recording this video with the rear camera of Realme 5 Pro and Redmi Note 7 Pro. As you can see, it is being recorded on 1080p and 60 fps. This is the video sample being recorded on Realme 5 Pro and Redmi Note 7 Pro with lower exposures. As I am walking, you can guess the image stabilization and audio quality on both of the smartphones. तो दोस्तों, यहाँ पे आपने जैसे कि देखा कि Realme 5 Pro के जितने भी यहाँ पे शॉट्स थे वो ज़्यादा ही ओवर सैचुरेटेड थे और Redmi Note 7 Pro के यहाँ पे जितने भी कैमरा सैंपल्स आपको देखने को मिले वो रियल लाइफ कलर्स के ऊपर बेस्ड थे। यहाँ पे Realme 5 Pro के अंदर यहाँ पे कभी कभी शार्पनेस और डिटेल थोड़ी सी कम देखने को मिली और कुछ सिचुएशन में उसका जो सीनारियो था वो Redmi Note 7 Pro से ज़्यादा अच्छा था। दोस्तों, यहाँ पे ओवरऑल दोनों ही फ़ोन यहाँ पे आप बजट के अंदर बाय कर सकते हैं। दोनों के अंदर यहाँ पे कुछ कुछ खामियाँ हैं, जैसे कि Redmi Note 7 Pro के अंदर यहाँ पे आपको USB Type-C देखने को मिल जाता है, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है, लेकिन आपको कोई भी फास्ट चार्जर नहीं मिलता है। यहाँ पे Realme 5 Pro के अंदर आपको एक 25 वॉट का वूक चार्जर मिल जाता है और साथ ही में USB Type-C भी मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो बॉडी का जो मटेरियल यूज़ किया गया है Realme 5 Pro के अंदर वो है यहाँ पे पॉलीकार्बोनेट। तो अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा केयर रखनी पड़ेगी। हालांकि यहाँ पे Redmi Note 7 Pro के अंदर आपको पीछे की तरफ गोरिल्ला ग्लास 6 देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, यही था मेरी आज की वीडियो के लिए। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये दोनों ही फोन को बाय करने का लिंक यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जज करिए कि आपको कौन सा फोन बाय करना है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में आगे बताया। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज ऑल फॉर माई टूडेज वीडियो। आई होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर।